आज हम आए हैं एमजी के शोरूम पे और आज हमको एमजी ने मौका दिया है कि उनकी कार का हम रिव्यू करें। ये मेरा फर्स्ट रिव्यू है और मुझे एमजी ने मौका दिया है रिव्यू बनाने के लिए। और ये पूरा शोरूम है नागपुर का एमजी का, मॉरिस गैराज, और बहुत ही अच्छा शोरूम बना हुआ है। ये हिंगना में लोकेटेड है, हिंगना और वाड़ी बाईपास रोड चलता है उस पर ही लोकेटेड है शोरूम, देख सकते हैं आप लोग। और बहुत ही प्यारा शोरूम बना हुआ है। और आज हम आए हैं बनाने ईवी कॉमेट का रिव्यू करने आए हैं हम लोग, उसी की वीडियो बनाने आए हैं। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और इसका मौका मुझे एमजी ने दिया है फर्स्ट टाइम, और मैं आज एमजी कॉमेट का रिव्यू बना रहा हूँ। सो ये बहुत ही नई ईवी है जिसने सेंसेशन मचा रखा है अभी पूरे मार्केट में, और बहुत ही लोग इसको पसंद कर रहे हैं, तो आज इसी का रिव्यू कर रहा हूँ। देखिए आज आगे 230 इस कार की रेंज है और IP67 रेटेड बैटरी है इसमें, मतलब पानी वानी भी अगर गिरा तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें बिल्कुल भी। 26.4 सेंटीमीटर का इंफोटेनमेंट सिस्टम है एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्क्रीन है, और आई स्मार्ट 2.0 है। 55 प्लस कनेक्टिंग कार फीचर्स है इसमें, और ये स्मार्ट ईवी है और प्लस ऑटोमेटिक भी है। लेट्स टेक अ लुक ऑफ फ्रंट ऑफ दिस कार। और ये कार फ्रंट से एकदम फ्यूचरिस्टिक है, इसमें डे टाइम रनिंग LEDs हैं, और यहाँ पे भी LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं यहाँ पे भी पूरे। और ये इसका चार्जिंग पोर्ट है जो कि प्रेस करने पे ओपन होता है, कोई की नहीं है यहाँ पे, डायरेक्टली ओपन हो जाता है, ये इसका चार्जिंग पोर्ट है। और ये गाड़ी का फ्रंट बहुत ही अच्छा है, और ये इसका सबसे छोटा बोनेट है अभी तक का किसी गाड़ी का देखा हुआ, सबसे छोटा बोनेट है और बहुत ही क्यूट है, और आगे से गाड़ी दिखने में भी बहुत ही क्यूट है और बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है गाड़ी, आप देख सकते हैं। ये है गाड़ी का साइड लुक, और साइड से भी बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही एकदम फ्यूचरिस्टिक कार है। और बहुत ही बड़ा गेट है इसका, गेट आपने देखा होगा, इसका गेट बहुत बड़ा है, गेट यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे है गेट, यहाँ पे इसका है। और ये इसके ORVMs हैं, और ORVMs पे ही इंडिकेटर लाइट्स भी हैं, बट ये ORVMs ऑटोमेटेड फोल्डेबल नहीं है, आपको हाथों से ही फोल्ड करने पड़ेंगे। और इसका गेट बहुत ही हैवी है, बिल्ड क्वालिटी इस गाड़ी की बहुत ही अच्छी है, और ये गेट बहुत ज़्यादा खुलता है इसका, बहुत ज़्यादा ही इसका ये है खुलने का, मतलब 90 डिग्री तो है ही प्रॉपरली। और बहुत बड़ा गेट है इस गाड़ी का, मतलब कि जितनी बड़ी गाड़ी नहीं उससे ज़्यादा बड़ा तो गेट ही हो गया ऐसा लग रहा है, देख सकते हैं आप लोग। ये है MG कॉमेट का बैक रेयर व्यू, और ये ब्रेक लाइट्स हैं जो कि कनेक्टिंग है फुल्ली बैक से लेके, और ये ब्लैक हेडलैम्प्स हैं जो बहुत ही सुंदर है, एकदम फ्यूचरिस्टिक है। और ये यहाँ पे ईवी का बैज है और कॉमेट लिखा हुआ है। और आप एक और चीज़ नोटिस करोगे, इस गाड़ी पे कहीं पे भी एंटीना नहीं है, आप ऊपर की तरफ भी देखेंगे आपको कहीं एंटीना नहीं दिखेगा, तो ये फुल्ली ग्लास एंटीना इसमें ही है, इस ग्लास में ही लगा हुआ है, ये उसके ये जा रहे हैं, ये एंटीना ही है पूरा। और ये इसका बूट आप देख सकते हैं, ये इसका बूट है, और इसमें स्पेयर व्हील नहीं आता है, आपको इसमें किट मिलती है जो कि अगर आपका टायर वगैरह पंचर हो जाता है तो उसके लिए आपको यहाँ पे किट दी गई है प्रॉपरली। और ये 50-50 फोल्डेबल सीट्स हैं जो कि हाफ एंड हाफ फोल्ड हो जाती है पूरी तरीके से, तो आपका बूट स्पेस भी बढ़ जाता है, आपको बूट भी मिल जाती है। ऐसे इसमें बूट नहीं है, कम ही है, आप कुछ यूज़ नहीं कर सकते, बट दो लोग अगर बैठे हैं और ये दोनों बूट्स बैठा दो तो आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं, और ये 50-50 भी हो जाता है पूरी तरीके से। सो ये इसका रियर व्यू है। सो अब अपन इस गाड़ी का इंटीरियर देखेंगे, ये इस गाड़ी का फ्रंट है पूरी तरीके से, और आप देख सकते हैं फ्रंट को, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक कार है ये, इसका फ्रंट देख रहे हैं अभी, ये स्टीयरिंग है, और इसके बटन्स भी बहुत ही अलग हैं, आप जैसे पहले एक आईपॉड वगैरह में देखते थे ऐसे बटन्स, या मोबाइल वगैरह में देखते थे उस टाइप के बटन्स हैं, बहुत ही प्यारे बटन्स हैं, और बहुत ही, और इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और दोनों जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, इसमें एंड्रॉयड ऑटो प्ले और आईफोन ऑटो प्ले भी है इसमें, और सभी चीज़ें हैं। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है,
और ये भी बहुत ही प्यारा है और पूरा इंटरकनेक्टेड है दोनों एक दूसरे से। इसके ऐसे इवेंट्स भी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से प्लेस भी किए गए हैं अच्छे से, कि आपको बिल्कुल प्रॉपर आप बैठे हैं तो आपको बहुत अच्छे से कूलिंग मिलेगी। सेट करने के लिए भी आपको ऑटोमेटिक नहीं दिए गए हैं, आपको हाथ से ही उसका क्लाइमेट सेट करना होगा एसी का सभी कुछ। ये फ़ैन सेट करने के लिए फ़ैन स्पीड और ये एसी, और आपको हीटर चालू करना है तो उसी के लिए दिया हुआ है। और इसमें आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बहुत सारी डिटेल्स बताई गई है, जिसमें रेंज और आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और इसमें प्लस आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है इसमें, तो आपको इसमें कौन से टायर में प्रेशर कम है ये नहीं पता चलेगा, पर टायर प्रेशर कम है ये आपको ये इंडिकेशन दे देगा। अभी जैसे बैटरी और इन सब का भी इंडिकेशन दे रहा है, गाड़ी ऑफ है तो ये सब कुछ बताता है नॉर्मल एक, और ये वोल्टेज भी बता रहा है और सभी चीज़ें बता रहा है इसमें। और इसमें भी आप लोग सभी चीज़ देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी स्क्रीन लग रही है। अभी भी ये स्क्रीन देखने के बाद में, मतलब हम डे टाइम में अभी शूट कर रहे हैं और स्क्रीन देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है या कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, बहुत ही अच्छी ब्राइटनेस है स्क्रीन की, दोनों भी स्क्रीन की ब्राइटनेस बहुत ही अच्छी है और बहुत ही अच्छे से उसको लगाया गया है। मतलब आप ड्राइवर सीट पे बैठे हैं तो आपको बिल्कुल प्रॉपरली हर चीज़ व्यूएबल है, ऐसा नहीं आपसे कुछ भी दूर है या आप ऑपरेट नहीं कर सकते। तो गाड़ी बहुत ही अच्छे से इन्होंने बनाई है और बहुत ही प्रॉपर है। और ये है गाड़ी का गियर सिस्टम जो कि ऑटोमेटिक सिस्टम है, और इसमें रिवर्स है, न्यूट्रल है, ड्राइव मोड है, और ये बहुत ही अच्छा एकदम फ्यूचरिस्टिक सा है, बहुत अलग है, ऐसा मैंने पहले किसी गाड़ी में नहीं देखा है और बहुत ही प्यारा है। ये है इसके विंडोज़ ओपन करने के लिए और क्लोज़ करने के लिए बटन, एक ऑटोमेटिक है और एक सिंपल है। ये दोनों बटन्स यहाँ पे दिए हुए, गेट पे नहीं दिए हुए इनके। और आगे से आप गाड़ी देख रहे हैं बिल्कुल खाली है, मतलब बहुत सारी जगह है रखने को, मतलब आप पूरे रख सकते हो। और इसमें आप जब डबल टैप करते हैं ब्रेकिंग सिस्टम पे तो ये गाड़ी ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। इसमें कोई स्विच नहीं है ऑन करने का, गाड़ी को कोई भी स्विच नहीं दिया गया है, आप सिर्फ की अपने पैर में रखिए और गाड़ी में एंटर करते ही आप जब दो बार ब्रेक दबाएंगे तो ये गाड़ी ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। और ये इसका हैंड ब्रेक है और इसकी सीट्स भी बहुत अच्छी हैं इसकी, कंफर्टेबल हैं। आप अगर आराम से बैठे हैं तो आपको मतलब विजन भी अच्छा है सामने, मतलब ग्लास भी बहुत अच्छे से मुझे व्यू दिख रहा है सामने का, फ्रंट का, और बहुत ही अच्छा है। ORVM में भी बैक का व्यू मुझे बहुत सही से दिख रहा है, कोई भी गाड़ी आते हुए दिखते तो। और बहुत ही प्रिसाइज सी गाड़ी, एकदम छोटी सी है बट बहुत अच्छे से, मतलब एक बड़ी गाड़ी की तरह इसको बनाया गया है। और इसमें 2 एयरबैग्स मिलते हैं फ्रंट में, और बिल्ड क्वालिटी भी इस गाड़ी की बहुत ही अच्छी लग रही है और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। और इसमें एक चीज़ है, आपको इसमें यहाँ पे कहीं पे चार्जिंग पोर्ट नहीं दिख रहा होगा, वो चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे दिया है इसके रियर व्यू ग्लास में, जो कि यहाँ पे है पोर्ट। और इसका हेडलैम्प भी बहुत अच्छे से प्रिसाइजली कर रखा है, पर हेडलैम्प आप जैसे कि देख रहे हैं LED दिया हुआ है, आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी LED देते नहीं है हेडलैम्प्स, पर बहुत ही अच्छे हेडलैम्प्स हैं। सनराइजर्स भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे भी ग्लास दे रखा है सनराइजर, ड्राइवर सीट के लिए भी ग्लास दे रखा है यहाँ पे सनराइजर में, और नॉर्मल सीट के लिए भी दे रखा है, पर लाइट नहीं दी हुई है। पर यहाँ पे सनराइजर्स भी, सनराइजर्स में दोनों तरफ ग्लासेस दिए हुए हैं ड्राइवर के लिए भी और कोड पैसेंजर। अब हम को पैसेंजर की सीट पे जा रहे हैं, बट उससे पहले मैं बता दूँ कि इस गाड़ी में दोनों तरफ रिक्वेस्ट सेंसर्स हैं, जो कि डोर ओपन करने के लिए हैं। आप इधर भी खड़े हैं तो ये रिक्वेस्ट सेंसर है, आप लोग अगर आपके जेब में चाबी है तो आप यहाँ से भी गेट खोल सकते हैं डायरेक्टली। और ये को पैसेंजर सीट है और बहुत ही कंफर्टेबल है ये सीट भी, और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे भी बहुत ही अच्छे से रूफ है और बहुत प्यारा सा एकदम बैठने का अच्छा सा है और बहुत कंफर्टेबल है कार। मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मैं किसी छोटी गाड़ी में बैठा हूँ, बहुत ही कंफर्टेबल लग रही है मुझे। इसका सिस्टम है पूरा, इसमें आपको 2 ट्विटर्स और 2 स्पीकर्स मिलते हैं, और साउंड बहुत ही अच्छा है इस गाड़ी का, जैसे कि हमने बहुत अभी टेस्ट किया था गाड़ी, और टच भी बहुत ही प्यारा है इस गाड़ी का, आप जैसे कि देख सकते हैं मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, टच बहुत ही अच्छा है इसका, बहुत रिस्पॉन्सिव टच है। और ये इसका पूरा फ्रंट लुक है इस स्क्रीन का, इसमें FM और म्यूज़िक और सब कुछ है, एप्पल कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों भी इसमें सिस्टम आपको मिलते हैं, और बहुत ही अच्छे से इसको प्रिसाइजली बनाया गया है,
और इसकी मतलब ब्राइटनेस भी बहुत ही अच्छी है। हम डे टाइम में बैठे हैं और ब्राइटनेस में कोई भी फर्क नहीं है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये गाड़ी का बैक साइड जाने के लिए आप डायरेक्टली ये सीट्स आगे करिए, थोड़ा सा ये यहाँ से आगे हो जाता है और आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं। बैक सीट्स भी बहुत ही कंफर्टेबल है, ये इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाती है, थोड़ी सी स्ट्रेट है बट इतनी दिक्कत नहीं है कि मैं कंफर्टेबली बैठ नहीं पा रहा हूँ कार में। बहुत अच्छे से बैठा हूँ मैं गाड़ी में और बहुत ही कंफर्टेबल है। ये फ्रंट सीट जो ड्राइवर सीट है वो मेरी हाइट के हिसाब से है, मैं 5'8" हूँ तो मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट है, तो पर बहुत गैप है दोनों के बीच में और मैं आराम से बैठ पा रहा हूँ, बहुत ही कंफर्टेबल है। और ग्लास होने की वजह से दोनों तरफ के ग्लास अच्छे बड़े हैं तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि क्लॉस्ट्रोफोबिक हो गए आप लोग। बहुत ही आराम से मैं बैठा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। फ्रंट का भी व्यू बहुत अच्छे से आ रहा है, साइड व्यू भी मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है ग्लास की वजह से, ग्लास क्योंकि बहुत अच्छी साइज का दिया है। और आपको एक और चीज़ बता दूँ कि इसमें बैक सीट पे भी आपको दिए गए हैं सीट बेल्ट, प्रॉपर वर्किंग है दोनों पैसेंजर्स के लिए, मेरे लिए भी और को पैसेंजर होगा उसके लिए भी प्रॉपर सीट बेल्ट दिए हुए हैं। और बहुत ही प्रॉपर तरीके से गाड़ी बनाई हुई है, इन्होंने बहुत अच्छे से और बहुत ही प्रिसाइजली ये गाड़ी बनाई हुई है, बहुत सोचा है इस गाड़ी के लिए और बहुत अच्छे से। ये आज का रिव्यू था MG कॉमेट पे और बहुत ही अच्छी गाड़ी लगी, बहुत ही प्यारी गाड़ी है, आप लोग कंसिडर कर सकते हैं इज़न आपकी गाड़ी के लिए और खरीद सकते हैं, बहुत ही अच्छी गाड़ी है, बहुत ही प्यारी है, फ्यूचरिस्टिक है। सो ऐसे ही देखते रहिए मेरी वीडियो, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। ये मेरा फर्स्ट रिव्यू था, सो देखते रहिए आप लोग।